जय हो श्रृंगेरी महाराज। कार आई हुई यहाँ तक, आगे भी गया और रोड। जय हो श्रृंगेरी महाराज। ये बादाम लग रहे भाई साहब, देखो ये जो पेड़ है ना, ये बादाम का है। ये पानी चाहे हो श्रृंगेरी महाराज। ताले लगो कृष्ण टेम्पल है वहाँ पे। कृष्ण टेम्पल है यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से आपको आधा घंटे। अच्छी जगह है वो ना भाई साहब, चैनी कोठी जो है श्रृंगेरी वही जिन्होंने जो यज्ञ कराया था ना, बाल बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी,
राजा दशरथ के बेटी के पति ना शांता, शांता है ना, अच्छा ये बात की पहला वो थे ना श्रृंगी ऋषि, मतलब जो उनकी बेटी के ही वो थे पति थे दशरथ की बेटी जो बचपन में शांता जो नाम था ना। जय हो श्रृंगी ऋषि महाराज। हाँ जी रामायण में काफी है इनका, मैंने पढ़ी ना कई बार तो उसमें पढ़ा था मैंने श्रृंगी ऋषि। ये मतलब पूरा साल खुला रहता है या बंद भी होता है सर्दियों में बड़ा बुरा की वजह से मंदिर? नहीं जी, देवते का हमारे जैसे जनवरी में देवते का कपाट पड़ता है तो उसमें देवते को उस टाइम बंद रहेगा मंदिर। अच्छा, 4-5 दिन दर्शन कर सकते हैं बाहर से आप। अच्छा, तो ऐसा है कि मंदिर में अंदर एंट्री वो नहीं होगी। अच्छा, बर्फ बर्फ वाला सीन नहीं, बर्फ पड़ती है यहाँ पे तो? हाँ जी बर्फ गिरती है यहाँ पे काफी बड़ी, पिछले 3-4 सालों से थोड़ा सा कम गिर रहे, पहले तो 2-2.5 फीट तक गिर जाती थी। अच्छा जी, और जगह अब पिछले 4-5-7 सालों से काफी कम है, मतलब ऐसे करके 1 फीट तक हो रही है। प्रभु ने दर्शन दिए हमारा। तो इन्होंने क्या यहाँ पे इस जगह पे कोई तपस्या की थी या यहाँ पे क्या था इनका मतलब? इन्होंने यहीं पे जैसे समाधि के तौर पे वो ले ली, तो ये तो पहले ऋषि थे, तपस्वी थे इन्होंने, तो तपस्या की इनका एक स्थान आता है, ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है, स्किन नाम की जगह है। स्किन किस साइड को? यहाँ से बिल्कुल स्टेट। अच्छा, इसी ऊपर में? हाँ जी, पहाड़ी पे। और इस सड़क 10 किलोमीटर की साइड पूरा दिन वहाँ पे चलने में लग जाता है। चलने में तो मूल स्थान, मूल स्थान होगा ना? मूल स्थान हाँ, स्किन नाम की जगह है वहाँ पे। स्किन स्किन नाम की जगह है तो वहाँ तो काफी पहाड़ी होगी, वहाँ तो गाँव गाँव कोई नहीं होंगे ना? बिल्कुल टॉप पे है वो जी, वो तो आपकी 14 की हाइट में आता है। हाँ जी सर, 13-14 फीट की हाइट में, 14 फीट की हाइट में। तो वहाँ क्या है, मंदिर है वहाँ पे? बस वहाँ पे देखते कि एक शिव है, शिला टाइप, शिला है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ देवता जी एक साल देवता जी के रथ जाते हैं, एक साल देवता जी की छड़ी उतार जाती है। अच्छा, जागरा होता है, लोग बहुत सारे दूर दूर से अपनी मन्नत लेके आते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू तो मैक्सिमम बाहर से भी लोग आते हैं, पॉट्सराज, अन्नी, निर्मण, शिमला, यहाँ से क्या बोलते हैं श्रीखंड महादेव को भी जाते होंगे ना यात्रा पे? हाँ जी, श्रीखंड महाराज की यात्रा तो इधर से भी होती है, ये जाओ से होती है ना, निर्मल से यहाँ से भी बोल रहे थे ना। तो मतलब यहाँ से चैनी कुठी के लिए आधा घंटा लगेगा? हाँ जी, कार लेके तो नहीं आया यहाँ? कार हमने नीचे कर दी खड़ी, कहते आगे रास्ता खराब। रास्ता तो है थोड़ा सा, अभी अभी हुआ इस बारी से, कच्चा है। अच्छा, मतलब ऐसे रास्ता, मतलब गाड़ी नहीं जाती ऊपर देखा ना? गाड़ियाँ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, लोकल ले जा रहे हैं, छोटी गाड़ी जा रही है, ऑल्टो कार पूरी जा रही है। ऐसा कि थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, ऐसा तो कुछ नहीं, कार यहाँ तक आ रही है। अब नहीं लाए हम तो, यहाँ से वो सीढ़ियाँ शुरू होती है ना वो नीचे, मेन रोड पे रखा है, मेन रोड में रखा। आधा घंटा लगेगा यहाँ से ऊपर को ना? तब तो ज्यादा नहीं है, उतना ही होगा जितना नीचे से हम आए यहाँ तक। हाँ जी, इतना ही होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा, अच्छी जगह है वैसे ना काफी। हाँ जी, हाइट अच्छी है उसकी, जाना चाहिए तो। आप लोग शिमला से आए? जय हो भाई, ले सकते आप तो लोकल होंगे भाई साहब यहीं से ना? हाँ जी, हाँ जी, पुजारी है। अच्छा, पुजारी है, ठीक है।
बहुत अच्छे बाहर से तो देख सकते हैं ये सारे अवतार यहाँ पे है ना। हाँ जी, जितने भी अवतार हुए थे ना क्या बात है। यहाँ से पार्क भी है ना, ये घर होना इनका पुजारी का घर भी देखो कितने अच्छे स्टाइल से बना हुआ है ना, अंदर अंदर से वो है। हेलो बेटा, हेलो ठीक है, ठीक है भाई जी, बैठो बस जी, चार पैन लगा लो, कोई नहीं सर, कुछ नहीं, दोबारा कभी आएंगे। ठीक है, ओम शिवम बोलो। चले सर मैं चलो, हाँ चलो ओम शिवम। चले फिर चैनी कोठी के लिए। ओम नमो श्री माधवताय तपः मूर्तये भगवते नमः। लंगर प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। ओम नमः शिवाय।